हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको नमस्ते। आज हम बनाएंगे दही बल्ले और आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप भी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने धुली हुई उड़द की दाल 8 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। अब हम इसको पहले इसमें मिक्सी में डालेंगे और इसको पीसेंगे। देखिए, हमने पीस ली है। अब हम इसको निकालेंगे। अब देखिए, अब हम इसको इसमें निकाल लिया है। अब हम इसको एक ही राउंड में फेंटेंगे, ऐसे करके एक राउंड में फेंटेंगे, एक ही डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हवा भरेगी। जितना हम एक डायरेक्शन में करते जाएंगे उतना इसमें हवा भरेगी और उतने ही ये दही बल्ले सॉफ्ट बनेंगे। और ये बैटर हमें ना ज़्यादा पतला रखना है, ना ज़्यादा टाइट रखना है, मीडियम रखना है। थोड़ा सा 2 बूंद पानी डालेंगे इसमें। अब इसको फिर फेंटेंगे। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही अच्छे दही बल्ले बनेंगे। अब हम इसको हाथ से फेंटेंगे। ये देखिए, इस डायरेक्शन में दस मिनट घुमाते रहेंगे इसको। ये देखिए, बैटर ऐसा होना चाहिए। 2 बूंद पानी और डालेंगे, थोड़ा टाइट हो रहा है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं ढक के।
इतने टाइम हम जो है ये दही लिए हमने, दही में हम ये चीनी डाल के और फ्रिज में रख देते हैं। चीनी इतने घुल जाएगी इसमें, हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। और हम इसमें तेल ले लिया है हमने और गैस जलाएंगे, तेल को गर्म होने देंगे। दस मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी। इसको हम फिर फेंटेंगे। देखते हैं तेल हुआ कि नहीं, थोड़ा सा ये डाल के देखेंगे। देखिए तेल हो गया, ये फूल के ऊपर आ गया है, इसका मतलब तेल जो है हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे दही बल्ले बना के। एक कटोरी लेंगे और इसमें ये पानी लेंगे और हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा पानी ऐसे, और फिर इनको ऐसे करके डालते रहेंगे बना बना के, फिर पानी लगाएंगे थोड़ा सा। पानी लगाएंगे थोड़ा, और ये हमने फ्लेम जो है सिम पर रखनी है,
तेज नहीं रखनी है, क्योंकि तेज रखेंगे तो ये जो है आटा बीच से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये पक जाएंगे, बीच से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें सिम फ्लेम पर ही बनाने हैं। इनको पकने देंगे सिम फ्लेम पर धीरे धीरे। ये देखिए ये हो गए हैं, अब हम इनको निकालेंगे। फिर पानी लगाएंगे और इसमें और डालेंगे। सारे हम बना लेंगे ऐसे करके। अब ये वाले भी हमारे बन गए हैं, इनको भी हम निकालेंगे, गैस बंद करेंगे। देखिए कैसे फूले फूले बने हैं। अब हम इनको इस बाउल में निकाल देंगे। और इसमें हम अब हल्का गुनगुना पानी डालेंगे, जो कि ये जो ऑयल है ये पानी में निकल जाएगा और इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा। ये हमने पानी डाल दिया इसमें और हम इसको जो है 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हम देखिए अब इसमें से हम निकालेंगे, पानी में तेल छोड़ दिया है, इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और निकाल लेंगे।
ऐसे करके हम सारे निकाल लेंगे। सब निकाल लेंगे ऐसे। अब हमारे दही भल्ले तैयार हो गए हैं, अब हम सर्व करेंगे। अब हम दही डालेंगे। अब हम लाल वाली चटनी डालेंगे। हरी चटनी डालेंगे। लाल सॉस डालेंगे। फिर दही डालेंगे। काला नमक डालेंगे। सफेद नमक डालेंगे। भुना हुआ जीरा डालेंगे। लाल मिर्ची डालेंगे। थोड़ी सी दही और डालेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया दही बल्ले बने हैं। अभी आपको काट के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं ये। ये देखिए आराम से कट गया और इतना सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बने हैं। ओके बाय, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।